असाध्य रोगों के लिए नाम्स का सुलभ उपचार। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया में एक एडवांस मेडिकल साइंस प्रचलित है, लेकिन अब इससे भी अधिक अच्छा साइंस आया है जो तेजी से रिजल्ट देता है, जिसका कोई प्रतिकूल असर नहीं है। ये साइंस है नाम्स। नाम्स अर्थात नवजीवन अग्रिम मेडिकल साइंस नाम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर माधव देसाई, डॉक्टर एनजी देसाई एमबीबीएस एमडी हैं। वो 55 वर्ष से प्रैक्टिस करते हैं, जो नाम्स आरोग्य शास्त्र के जनक हैं। उनके सहयोगी डॉक्टर हिरल शाह ने नाम्स आहार शास्त्र पर अनुसंधान किया है। इन दोनों शास्त्रों के समन्वय से बोरीवली स्थित उपचार केंद्र पर सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। चलिए आपको सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टरों का और क्या कुछ कहना है। वैसे मेरा डॉक्टरी तो रेगुलरली, जैसे कि मैं पास हो गया एमबीबीएस 1973 में, और उसके बाद में 5.5 साल का एमडी था, तो उसके बजाय मैंने इंडोर मतलब रेसिडेंशियल एमडी किया, वो 3.5 साल में हो गया। और उसके अंदर एक बार सर्जरी करके छोड़ दिया और एक बार दूसरा कोर्स किया, दोनों कोर्स पसंद है। लास्ट में हमने प्रिवेंटिव में ज़्यादा ध्यान डाला और प्रिवेंटिव में पूरा कर दिया, फिर उसके साथ में रिसर्च चालू कर दिया। उसके पहले ही हमने मेडिसिन में रिसर्च चालू कर दिया, क्योंकि एमबीबीएस होने के बाद में पहले 3 साल में हमें काफ़ी सारे अनुभव ऐसे आए कि रिजल्ट्स कुछ खास पेशेंट को समाधान संतोष नहीं देते। इसके लिए हमने उसके जगह पे कि इसमें और कुछ कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे रिजल्ट परमानेंट रिजल्ट आ जाए, डायबिटीज़ हमेशा के लिए जाएगा कि नहीं, जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी प्रॉब्लम्स है, ये सदा लिंगर ऑन होल लाइफ तक चलते रहते हैं, और ऐसे नहीं हो, उससे अच्छा कि उसमें पेशेंट को राहत मिले, उसको आराम मिले और उससे छुटकारा मिले, जब ही से हमने रिसर्च चालू कर दिया। दिस वॉज ड्यूरिंग 1975-76 to 78। सब लोग या पेशेंट को सदा के लिए इच्छा रहती है कि हमें बीमारी से राहत दो, छुटकारा दो। हम समझते हैं कि पेशेंट को बीमारी से छुटकारा देने से ज़्यादा ज़रूरी दवाई से छुटकारा दे। तो बीमारी तो ठीक है, उनको दवाई से ये लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, उसमें साथ साथ मतलब बीमारी तो निकल जावे और उसके साथ साथ तो दवाई लेनी न पड़े, तो बड़ा सवाल है। क्योंकि हम लोग, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, लोगों करीब करीब 50-60 साल से इसके साथ जी रहे, दवाई के साथ में, बीमारी के साथ में और परहेजी के साथ में, ये तीनों के साथ में, परहेजी बोलो या परेशानी बोलो, ये दोनों के साथ में पेशेंटों को, पूरी दुनिया को जीना पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब से मैंने देखा है, करीब करीब 65-68 से मैं दुनिया देख रहा हूँ, मतलब मैच्योरिटी के बाद में, कि जब से लेकर आज तक लोगों को ना तो दवाई से छुटकारा मिला है, ना तो दवाई कम होगी, ना तो बीमारी से छुटकारा मिला है, ना तो खान पीन के परहेजी से। इसमें क्या होता है, डॉक्टर कम परहेजी बोलते, हम अपने हिसाब से, घर वालों से, अनुभव से, काफ़ी सारी परहेजी एक दूसरे से पूछ के करते हैं, वो कब कम ज़्यादा सही होती है, मगर वो ज़्यादा करते, ये सबसे छुटकारा मिल सकता है क्या? तो हमारा कहना है, जिसके बारे में हिरल जी ज़्यादा बोलेंगे आपको, कि हमारा ये कहना है कि परहेजी से भी कुछ हद तक छुटकारा, उसके साथ साथ बीमारी से छुटकारा, और दवाई तो कम ही होगी, एक आध दवाई कभी कभार लेना, रोजाना 10-15 गोलियां सुबह दोपहर शाम। एक दिन मैं एक लंबे सफ़र में था अमेरिका के, तो बीच में वो जो मेरा बाजू वाला जो पैसेंजर था, तो इतना बड़ा डब्बा लेंगे, वो इंग्लिश था, मगर वो हम सोचा ये लोगों को भी वही है जो हमारे यहाँ भी कहा जाता है। तो उसने लंच के समय के टाइम पे वो खोला और एक मुँह में डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, मतलब 10-15 गोली मैं देखते ही रह गया कि भाई कितनी गोलियाँ खा रहा है। यही मामला शाम को भी हो गया और सुबह में भी,
तीन बार तो मेरे साथ में वो बैठा ही था, मगर ये सब कुछ ऐसे होता रहता कि उससे काफ़ी सारे पुर्जे खराब होते, शरीर खराब हो जाता है, बीमारी तो और दूसरी बीमारियां आ जाती है। तो ये देख के तो बड़ा उलझ जाते हैं, बड़ा गलत लगता है। आपने कहा कि बहुत सारी दवाइयाँ खाने से और ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा ही जो आजकल दवाइयाँ दी जा रही हैं कि लोगों के लाइफस्टाइल में दवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मुझे ऐसा देखा जाता है, मोस्टली लोगों के बैग में आजकल दवाइयाँ भी मिलती हैं अक्सर। बराबर है, तो हर एक के बैग दूर करेंगे, आपके मन में इसको लेकर क्या ख्याल है? उसके लिए तो बड़ी हमारा तो काफ़ी कुछ इसमें एडवाइस है, सलाह है, हमारा अनुभव है, तजुर्बा, और उसका काफ़ी कुछ फ़ायदा ये जो हम देखते हैं और जिसका संशोधन के बाद में जो मालूम पड़ता है, तो ये पक्का श्योर है कि हमारा शास्त्र गलत रास्ते पे जा रहा है। तो गलत शास्त्र पे मतलब रिसर्च अच्छे है, मगर वो सब केमिकल रिसर्च है, पूरे के पूरे केमिकल रिसर्च है, जो और ज़्यादा वो नज़दीक में कुछ समय में काफ़ी सारा असर देते हैं, उसके बाद में बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। तो मतलब क्या है, मैंने करीबन 10-12 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दो लाइनें पढ़ी थी कि यही उसमें लिखा गया था कि इतने साल हो गए, 40 साल हो गए या 50 साल हो गए, कैंसर की बीमारी जो का त्यों परसेंटेज बढ़ा है, किडनी की बीमारियां बढ़ी है, डायबिटीज़ अभी 50% तक देश में हो गया, पहले जो कि 5-10% था। तो मतलब क्या, इन्होंने ये सब लिखा और लास्ट में लिखा था, डज इट मीन वी हैव टू लुक बैक वेदर वी आर ऑन राइट ट्रैक इन मेडिसिन। मतलब कोई तो ज्ञानी था जिसने इसका सही स्टडी किया, द पर्सन हु हैज रिटन इट एट पर्टिकुलरली पिन पॉइंटेड द प्रॉब्लम कि भाई ये ऐसे हुआ है, होता है, मतलब कहीं तो हम गलत जा रहे हैं क्या? अगर इसमें कोई पेशेंट की तादाद कम नहीं होती, दवाई कम नहीं होती, तो 2 साल पहले हमने सुना कि एक बड़े नामचीन हॉस्पिटल बॉम्बे के, उसमें 100 करोड़ की एक मशीन, ऐसे मशीनें लाई गई। तो मैं दिल में कहता रहा कि भाई ये मशीन से कितने कैंसर पेशेंट कम होने वाले हैं, तो ये मशीन की कोई कीमत है? लोग कुछ भी करके पेमेंट दे देते, पैसा तो देते। जीवन कैंसर से कैसे लड़ता है, अगर पेशेंट आते हैं कैंसर तो उनसे लड़ने के लिए क्या कुछ डिफरेंट है, क्या कुछ है जिससे जीवन, अगर नौजीवन की बात करें तो डिफरेंट कुछ मेडिसिन से आप ट्रीटमेंट उसके लिए कर रहे हैं? हमने खाली इसका रूप रंग बदला है, दवाई है। हमारे रूप रंग में क्या क्या आता है कि इसमें दवा में केमिकल की मात्रा जीरो कर दी, करीब करीब जीरो, मे बी 0.5% समटाइम्स इन सम ऑफ द मेडिसिन, नॉट ऑल, एक आध दो दवा में 0.5% 1% मिलेगी आपको, उसके अलावा मिलेगी नहीं। दैट इज़ मेजर अचीवमेंट के, जिससे किडनी विडनी पे बुरा असर नहीं होगा, वो एक मामला हो गया। उसके साथ साथ केमिकल तो बंद कर दिया, इसकी दवाई की क्वांटिटी कम होती है, तो हम करीब करीब हर महीने में फ्रेश दवाई बना के पेशेंट को देते हैं, विच इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 2 साल की, अभी आपने क्रोसिन बाज़ार से लाई तो एक पैकेट लाया और उसका एक्सपायरी 2-2.5 साल है, वो 2.5 साल एक्सपायरी या तो उसको टिकाने के लिए उसमें इतनी सारी केमिकल डाली जाती है कि वो शरीर के लिए काफ़ी सारी नुकसानदायक रहती है, वो कम कर दी हमने, उसकी मात्रा कम कर दी है। जैसे कि 1 या 2 गोली दिन में 3 या 4 बार, उसके जगह पे हमारी एक मात्रा हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, शुरुआत में डेली, बाद में हफ्ते में 2 बार, बाद में 1 बार, उसके बाद में वो मात्रा 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार और 7 में 1 बार। अगर ऐसी दवाई हो तो अंदर कोई केमिकल जमा नहीं रहे। नौजीवन जो है मेरे लिए ब्लेसिंग है, डॉक्टर साहब का तो ब्लेसिंग है ही है। मैंने मेरे जीवन में शुरुआत रिसर्च से ही की, मैं पहले फाइजर में थी, रिसर्च में
और रिसर्च पर्सन या तो क्लिनिकल रिसर्च की वजह से क्या हुआ कि एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको. कुछ सालों पहले इसी कंपनी के अंदर मेरे हाथ में एक पेपर आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था. उसमें सिंपल सा हिंदी में मैं बताती हूँ, उसकी एक लाइन में आपको पता चलेगा. उसमें दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में 100 प्रकार के अलग अलग रोग होते हैं तो उसमें से एक रोग ऐसा रहता है जो बाहर से अंदर आता है. बस उतना सा एक स्टेटमेंट था. उसका मतलब ये होता है कि बाकी के 99 जो रोग है वो हमारे शरीर के अंदर ही पैदा होते हैं, खाली एक रोग जो है वो शरीर में बाहर के वातावरण में से अंदर आता है. अभी आप लिस्ट मारेंगे, पूरा का पूरा लिस्ट करेंगे तो पता चलेगा, हार्ट डिसीज़ अपने शरीर में पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर शरीर में पैदा होता है, डायबिटीज़ शरीर में पैदा होता है, पाइल्स शरीर में पैदा होता है, कैंसर शरीर में पैदा होता है. तो आप गिनती करेंगे कि जो जो आर्थराइटिस शरीर के अंदर पैदा होता है, बराबर, कहीं बाहर से नहीं आता, शरीर के अंदर ही जनरेट होता है. तो खाली कुछ इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया वायरल ऐसे कुछ तो है जो कि सेल्फ लिमिटिंग बोलते हैं, जिसको कि एंटीबायोटिक या तो फिर एंटीवायरल या इससे या तो सेल्फ लिमिटिंग भी रहते हैं. कुछ इसी प्रकार के जो रोग रहते हैं जो शरीर में वातावरण में से शरीर के अंदर आते हैं, वो भी जब आपकी इम्यूनिटी कम हो. तो ज़्यादा करके शरीर के अंदर ही पैदा होने वाले जो रोग रहते हैं तो उसके कारण क्या है उसके ऊपर सोचना मेरा शुरू हो गया कुछ 20-25 साल पहले. उसके बाद में एक 17-18 साल से मैं नवजीवन में हूँ डॉक्टर साहब के साथ में. तो यहाँ पर वो मेरे जो सारे क्वेश्चन थे कि क्यों हो रहा है, रोग क्यों होते हैं, हार्ट डिसीज़ क्यों होता है, बीपी क्यों होता है, वो प्रकार के जो मेरे सवाल थे वो बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में आना शुरू हो गया. दूसरा एक उदाहरण आपको मैं देती थी, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ट्रीटमेंट किया, वो जो जैन साध्वी जी रहते हैं तो वो लोग तो केमिकल अवॉइड करते हैं ज़्यादा करके, और बहुत सारे लोगों ने ट्रीटमेंट ली है और ज़्यादा करके उन्हें ये प्रॉब्लम था कि शुगर एकदम हाई हो जाती थी, कोई भी दवाई उनको चलती नहीं थी. अगर दवाई खाई तो वर्टिगो का प्रॉब्लम, सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम, इस प्रकार का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, वैसे एक 4-5 प्रॉब्लम एक साथ स्टार्ट हो गए थे उनको. तो कुछ 15 सालों पहले उनकी ट्रीटमेंट की थी मैंने ऐसे ही कुदरती उपचारों से, और अभी उनको जो सलाह दी डॉक्टर साहब ने भी उनको देखा, तो उनके खान पान में जो चेंजेस किए हमने और कुछ मात्रा में हमारी जो दवाई गई, उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर शुगर नॉर्मल पे आ गया, वर्टिगो पूरा का पूरा ठीक हो गया, उनका आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस है वो भी ठीक होने को शुरुआत हो गई, पेन एकदम कम हो गया. और बहुत खुशी की उनके लिए जो बात थी कि उनकी गोलियाँ बंद हो गई सारी की सारी. उन्होंने खुद ने बोल दिया कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, मेरा शुगर भी कंट्रोल में रहता है, बीपी भी कंट्रोल में रहता है, चक्कर बंद हो गए हैं. इस प्रकार का रिजल्ट हम लोग इनफेक्ट सब पेशेंट में हमें देखा जाता है. उसमें हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, कैंसर के पेशेंट है. डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला था कि हमारे पास जो कुदरत ने हमें दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, तो ये जो दवाई है और ये जो शास्त्र है, तो हम हाई एंड डिसीज़ में रिसर्च करते हैं, यानी कैंसर लास्ट स्टेज के, आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट स्टेज के ड्रॉपआउट केसेस, दूसरी हॉस्पिटलों ने जब ना बोल दिया रहता है कि अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, वो प्रकार के मेटास्टेटिक एकदम एडवांस स्टेज के पेशेंट यहाँ पर आते हैं. और उसमें भी हमें अंदाजन 60% तक सक्सेस मिलता है, 60-80% तक वो स्टेज में भी सक्सेस मिलता है. हार्ट के केसेस देखेंगे तो हर एक प्रकार के हार्ट के केसेस रहते हैं, उसमें पंपिंग कम हो या तो फिर बाईपास फेल हुआ हो या तो स्टेंट जो है उसके बाद का ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें भी काफ़ी सक्सेस मिलता है, अप टू बोलेंगे 90-95% तक उसमें सक्सेस मिलता है. किडनी के ऊपर भी डॉक्टर साहब और डिटेल में आपको बताएंगे, रिवर्सल तो होता है. जैसे लास्ट स्टेज के जो भी आपके पास केस यहाँ पर आए हैं नवजीवन में, तो ऐसे कितने केस हैं जिसको आप सॉल्व करने में ये नवजीवन है जो सफल रहा? उसके बीच में मैं कुछ थोड़ा कहना चाहूँगा कि आपके सवाल के कारण मुझे और एक सूझा कि आपने हमें पूछा कि आपकी सिस्टम अलग कैसे है, वो तो मैंने बता दिया. सिस्टम अलग तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. मैंने सोचा कि चलो गोली नहीं देना है तो हमें खाली मुंह से हवा लेने को देना है, ऐसे कुछ भी कोई भी निकाल सकता है, मगर उसका असर कितना. तो हमने जो दवाई चेंज करके दी है या तो बिना केमिकल की दवाई दी है
या तो इंडियन ट्रेडिशनल पुरानी किस्म की दवाई उसको एकदम हाईली एक्टिव और बहुत बेहतरीन असर देने वाली उसका जो चेंजेस उसमें फॉर्म में चेंजेस कर दिया, उससे क्या मिला हमें? तो हमने तो देखा है कई बार 10 मिनट में पेशेंट में चेंजेस, ऐसे पूरा फ्रैक्चर डायलेटिव और गया और टोटली एक घंटे के अंदर वो नॉर्मल हो गया। ये देख के तो हमें इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसे तो हो सकता है क्या। तो उसके बाद में एक नहीं दो नहीं, हमने करीब सैकड़ों में तो वैसे देखे हो, हजारों में भी आप कह सकते, आपका सवाल का जवाब इसमें आ गया। हमने करीब करीब गए 20 साल में 35,000 से ज़्यादा पेशेंट को राहत दी है और उसमें टोटल लास्ट स्टेज पेशेंट है, पूरे के पूरे 90% लास्ट स्टेज, 10-15% अर्ली स्टेज वाले और करीब करीब सबके सब असाध्य रोग वाले, इम्पॉसिबल। इसका क्या फ़ायदा है और फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, और अगर इतनी अच्छी दवाई है तो वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है, ये सवाल आपका मैं समझ के उसका जवाब दे रहा हूँ कि इसमें क्या है कि फिर बाद में कानून आते हैं, फिर बाद में जो कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये भी कानून से तोल माप के बोल रहा हूँ, मुझे पूरी सच्चाई भी बोलने के लिए परमिशन नहीं है कानून की। कायदे का डर है कि मैं क्लेम नहीं कर सकता कि इससे क्योर होता है, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम इसके ऊपर ऐसे दवाई क्योरिंग के लिए देते हैं, तो वो कहना उसके कारण कोई उसके पीछे कुछ कारण अच्छे भी है कि भाई उसमें क्या होता है कि फिर हमारी ओर से अच्छा कारण ये है कि हम बंधे जाते, पेशेंट फिर पूछेगा कि आपने बोला था कि हम आपको 100% ठीक करूंगा और उसमें से 1-2% लोग ठीक नहीं हुए, तो ये गारंटी देना ही नहीं चाहिए, ये कानूनन है और ये देना नहीं चाहिए ये भी। मगर अगर वहाँ पर थोड़ा कानून मोड़ के अगर कुछ अलग होता कि आपको ऐसे कोई बंधन नहीं है मगर आप बोल सकते हैं कि कुछ हद तक आप ये बोल सको, ऐसे नहीं है या तो बोलो या तो मत बोलो, नहीं बोलना ही आपका कानून है बोले, और भी बहुत सारे ऐसे सख्त सज़ा होने जैसे कानून है उसके लिए हम उसको उच्चारते ही नहीं है। मगर मेरा कहना ये है, मैं तो आज चिल्ला चिल्ला के कहूँगा, कहते आ रहा हूँ कि गए करीब करीब 15 साल से, उसमें से 10 साल बड़े सख्ती से हम सरकार के पीछे पड़े, दिल्ली के पीछे पड़े, ICMR के पीछे पड़े, हमारे रास्ते में नहीं आते उनके पीछे भी पड़े कि भई ये शास्त्र आप सबके लिए उपलब्ध करो, नहीं हो रहा है। अगर हो जाता तो मैं समझता हूँ कि आधा हिंदुस्तान गए 10 साल में हेल्दी हो जाता। मैंने तो कई बार कहा है कि अपने देश की मिलिट्री डिफेंस है, अपने स्पोर्ट्समैन है, सबके लिए काम की चीज़ है, तो आप इसको अप्रूव करो, पब्लिक में ये करो, बाद में पब्लिक को अगर लेना है तो लेने दो, कोई आपको ये नहीं है, बंधन नहीं है कि आप उनको कंपलसरी करो कि भाई ये ले लो। और आपको हमें इतने पेशेंट यहीं पर दिखाएंगे जिनको एक एक पेशेंट ऐसे बहुत ही अच्छा है जो विदाउट केमिकल अगर आप पेशेंट को ठीक करते, तो इसको लेकर कभी आपने सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की आपने कोशिश की, क्योंकि ये चीजें लोगों में ज्यादा फैल चुकी है। 10-15 साल से चले, उसमें से 10 साल सख्ती से बहुत पीछे पड़ के कर रहे हैं तो भी नहीं हिल रहा है, फाइल ही किधर गुल हो जाती है, मतलब आपकी बात उन तक पहुँच नहीं पा रही है, जाती है पहुंचती सुनते और फाइल रख लेते हैं, सब पूरा का पूरा सबमिशन हम लोगों ने मिनिस्ट्री में किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री में, लेकिन डिले हो रहा है थोड़ा। हर मिनिस्टर हर ऑफिसर सुन के एकदम ये हो जाता है, मतलब ऐसा शास्त्र है मगर वो फिर ऊपर लाया ही नहीं जाता, उधर ही पड़ा रहता है। कारण उसमें कारण बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे यहाँ केमिकल वाला जो शास्त्र चालू, फिर उसमें आने वाले प्रॉफिट्स है, उसके आने वाले फैक्ट्रीज है, दवाई है, ये हर एक में कुछ अड़तान अड़ता हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसके लिए भी है कमर्शियल इंटरेस्ट भी है। बहुत सारे ऐसे कि समझो कि आप समझो कि 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में भी अगर हिंदुस्तान ने केमिकल दवाई वापरना बंद कर दिया
तो कितना बड़ा कमर्शियल टर्मोइल हो जाएगा, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसके लिए अगले टाइम के अपने जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने प्रॉमिस भी दिया था कि यही शास्त्र इंडिया के लिए चाहिए, अपने देश के लिए ऐसा ही शास्त्र चाहिए। और कुछ उसके दिन, उनके प्रॉमिस के कुछ दिन के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मगर दूसरी बार जब उनको मिला तब उन्होंने कहा कि हाँ मुलाकात होगी, तीन बार मुलाकात हुई। नहीं, उसका कारण ऐसे है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में गुजर गए। मेरे एक अंकल नाम के दोस्त थे, क्लासमेट थे, और उनके वो क्लासमेट इंटर साइंस के थे, तभी उन्होंने मुझे उनके पास ले गया। मेरा ऐसे सदा का बड़ा कायम का पहचान ऐसा नहीं, दो बार उनके सामने रखा था और उनको बहुत वेरी ऑनेस्ट इंडियन, आई टेल यू ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट इंडियन हु वॉन्टेड टू एंड साइंटिस्ट ऑफकोर्स। ये दो चीज़ें मैंने उनमें देखी है और आपको दुनिया ने देखा है, मैंने ही क्या देखा है, उनको तो पूरी दुनिया ने देखी। तो ये बात जो है ये उन्होंने किया था, ऐसे एक ही नहीं, चार पांच जन मैं आपको बता दूंगा। ये उसमें एक डॉक्टर पोद्दार, अपने महाराष्ट्र के एजुकेशन डायरेक्टर मेडिकल, उन्होंने तो मुझे लिख के दिया है, उसका उनका फोटो वोटो हम दे सकते, दो चार जजिस हैं उनका भी दे सकते। इन्होंने तो, पोद्दार साहब ने तो बताया तू कहीं भी लिख डाल मेरे बारे में, मैंने ये दवाई लिया है, मेरा ब्लॉकेज क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको हम ये दे सकते हैं।